दोस्तों क्या आपके साथ भी आपके व्हाट्सएप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। मान लो कि दोस्तों आपने किसी से जो है वो व्हाट्सएप नंबर लिया है, दोस्तों आपने किसी का व्हाट्सएप नंबर तो ले लिया और आपने वो नंबर जो है वो अपने मोबाइल में जो है वो सेव भी कर लिया, पर दोस्तों वो नंबर जो है वो आपके व्हाट्सएप में जो है वो आपकी व्हाट्सएप की चैट में जो है वो शो नहीं हो रहा। दोस्तों अगर आपके साथ भी आपके व्हाट्सएप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊँगा कि आप इस प्रॉब्लम को जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कि दोस्तों इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। पहला नंबर हो सकता है कि आपने किसी का व्हाट्सएप नंबर लिया पर वो नंबर जो है वो अगर आपकी चैट में जो है वो शो नहीं हो रहा। सबसे पहले तो आपने ये कंफर्म करना है कि जिससे आपने नंबर लिया है वो उसका व्हाट्सएप नंबर ही है, उस नंबर पर उसका जो है वो व्हाट्सएप अकाउंट बना है। क्योंकि दोस्तों अगर उसका व्हाट्सएप अकाउंट बना होगा तभी वो आपकी व्हाट्सएप की चैट में शो होगा, नहीं तो नहीं होगा। सबसे पहले आपने ये कंफर्म कर लेना है कि जिस व्यक्ति से आपने नंबर लिया है उस व्यक्ति ने उस नंबर पर जो है वो व्हाट्सएप अकाउंट बनाया है। अगर तो बनाया है तब तो ठीक है, अगर नहीं बनाया है तो आपने उससे जो है वो उसका व्हाट्सएप नंबर ले लेना है जिस नंबर पर जो है वो उसने व्हाट्सएप अकाउंट बनाया है। अगर दोस्तों उस व्यक्ति ने जो है वो उस नंबर पर व्हाट्सएप अकाउंट भी बनाया है फिर भी आपकी चैट में शो नहीं हो रहा तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपने जो है वो उस नंबर को आपने जो है वो अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में आपने अपने व्हाट्सएप में आना है और व्हाट्सएप में आने के बाद में आपने करना क्या है, व्हाट्सएप चैट के नीचे की तरफ जो है वो आपको एक आइकन सा दिख रहा होगा ये वाला, आपने सिंपली से जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस आइकन पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपके व्हाट्सएप में जितने भी कॉन्टैक्ट आपने जो है वो सेव किए होंगे वो आपको यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जो है वो शो होने लग जाएंगे। उस व्यक्ति ने जो है वो व्हाट्सएप पर जो है वो अकाउंट भी बनाया पर आपकी चैट में शो नहीं हो रहा, तो आपने जो है वो एक बार जो है यहाँ पर आपको उस आइकन पर क्लिक करने के बारे में आपने जो है यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख जाएंगे, तो आपने सिंपली से 3 डॉट पर करना है क्लिक। 3 डॉट पर क्लिक करने के बारे में आपने जो है वो रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने। दोस्तों आपने 2-3 बार ऐसे ही करना है, आपने फिर से जो है वो 3 डॉट पर करना है क्लिक। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद में आपने फिर से रिफ्रेश कर देने। इससे दोस्तों होता क्या है, हमारे व्हाट्सएप अकाउंट में जितने भी अगर आपने कोई न्यू कॉन्टैक्ट को जो है वो ऐड किया है तो रिफ्रेश करने से वो कॉन्टैक्ट जो है वो आपके व्हाट्सएप में ऐड हो सकता है। उसके बाद में आप उस व्यक्ति का नाम सर्च कर जो है वो उसके साथ चैट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपके व्हाट्सएप में कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा, आपने जो है वो उस व्यक्ति का व्हाट्सएप नंबर लिया है अगर शो नहीं हो रहा, तो आप ऐसे जो है वो उससे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस में देना चाहता था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लेकर आते रहता हूं। मिलते हैं दोस्तों अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।